और अब एक ऐसी खबर जिससे सियासत के गिरते स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी उपाध्यक्ष ओम माथुर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। सूरत मीडिया से बात करते वक्त वो मर्यादा भूल गए। आप खुद सुन लीजिए उनका विवादित बयान। जो 60 साल से डस्टबिन में चले गए, जिनकी कल्पना नहीं थी कि हमारे खानदान को कोई डस्टबिन में फेंकेगा, वो तो सोच रहे थे कि हमारा भी क्यों, अब तो राहुल का कारखाना भी बंद है आगे से, नहीं तो शायद सोचता उसका बेटे का भी नाम चलता हो। कांग्रेस नेता मीम अफजल साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, आपने विवादित बयान तो सुना ही होगा, पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, आपकी पार्टी क्या चाहती है, किस तरह से आप लोग इस मामले को आगे उठाएंगे? मेरा ख्याल है इतनी घटिया जो उन्होंने जबान का इस्तेमाल किया है, उस घटिया जबान में हम बात नहीं कर सकते। कांग्रेस का वो कल्चर ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को छोड़ रखा है कि आप भौंकते रहिए, और हम लोग जो हैं सिर्फ ये कहते रहेंगे कि ये पार्टी के नियम के अनुसार नहीं है, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं करती। मैं समझता हूँ यही पार्टी का बयान आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और इस तरह की हरकतें करके मैं समझता हूँ वो अपने आप को जहनी तौर पर इतना नीचे गिरा देते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब भी बहुत अच्छा दिया जा सकता है। आज वो हमारी पार्टी के बड़े नेताओं पर इस तरह का कमेंट कर रहे हैं, अगर पलट करके उनकी पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में इस तरह का कमेंट कर दिया जाए तो यकीनन इस जुर्म में हमें तो खैर वो क्या एक्शन लेंगे, लेकिन खुद ओम माथुर के खिलाफ बयान देने पर इनको जरूर पार्टी से निकाल दिया जाएगा कि अगर ना तुम ऐसा बयान देते और ना ऐसा जवाब आता। लेकिन हम उस स्तर तक जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी इस बयान की सख्त निंदा करती है और अमित शाह से ये अपील करती है कि किसी भी तरह इस तरह के लोगों पर कुछ पाबंदी लगाएं, कुछ अपने ऊपर भी पाबंदी लगाएं और अपने छुटभैयों को भी ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह का वातावरण बनाने से वो अपनी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीम साहब। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है। साधी प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी, दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी मी हूज गोइंग टू बी टॉकिंग टू यू, इट्स गोइंग टू बी मी हूज गोइंग टू टेल यू व्हाट्स न्यू फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। वी हैव न्यूज़, वी हैव रिव्यूज एंड वी हैव साहिल डूइंग द रेडमी नोट 3 रिव्यू एंड